यहाँ पर 6.8 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही मची है। भूकंप के झटकों के कारण कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप की चपेट में आने से अब तक 300 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मृतकों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। वहीं भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र मार्केश शहर से 75 किलोमीटर पश्चिम में स्थित था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि बड़ी संख्या में इमारतें जमींदोज हो गईं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए जहां पर एक बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया और अब तक 300 लोगों के मौत की सूचना है। तो कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर ट्वीट किया है। भूकंप की वजह से जनहानि हुई उस पर दुख जताया गया है। मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुख हुआ। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं मोरक्को के लोगों के साथ हैं, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत इस कठिन समय में मोरक्को को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है।